नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राठौर। आज हम बात करेंगे हॉर्नबिल इंग्लिश 11th क्लास के चैप्टर फर्स्ट के पार्ट सेकंड की, जिसका नाम है ए फोटोग्राफ। इसमें एक पोएटेस है जो अपनी माँ के लिए एक पोएम लिखती है, और इसके समरी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसकी प्लेलिस्ट में जाकर के आप समरी की फुल डिटेल हिंदी में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इस लेसन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर की मैं बात करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट What does the word cardboard denote the poem? Why has this word been used? यानी कि इस लेसन के अंदर, इस पोयम के अंदर कार्डबोर्ड शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो किस चीज के लिए किया गया है, इसका आपको जिक्र बताना है। The answer is that the word cardboard denote the photographs pasted on the hard thick paper। यानी कि तस्वीर जिस थिक मोटे से पेपर के ऊपर लगाई जाती है, उसे कार्डबोर्ड का नाम दिया गया है। This word has been used to refer to a practice in the past। पहले के जमाने में, या पहले जैसा आजकल एल्बम चलते हैं, लेकिन पहले एक थिक पेपर होता था जिसके ऊपर फोटो लगाया जाता था। When photographs were posted on cardboard, कार्डबोर्ड के ऊपर लगाया जाता था, and frame with glass front to preserve them, और उसकी सुरक्षा के लिए कांच लगाया जाता था, ग्लास लगाया जाता ऊपर से, जिससे वो तस्वीर भी बहुत अच्छी दिखे और तस्वीर में पानी और धूल ना लगे, जिससे तस्वीर खराब ना हो। तो ये कार्डबोर्ड का उपयोग किया जाता था एक तस्वीर को सुरक्षित रखने के लिए। द सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर। इस पोयम के अंदर कैमरा क्या कैप्चर करता है? तो आंसर इज दैट द कैमरा हैज कैप्चर्ड द थ्री गर्ल। कैमरा कैप्चर करता है किसी तस्वीर जिसमें तीन लड़कियां हैं, द पोएट्स मदर एंड हर टू कजिन्स। पोएट की मम्मी और उसकी मम्मी की दो कजिन्स, यानी कि अंकल या आंटी की दो लड़कियां, जिनका नाम है बेटी एंड डॉली। इन देयर स्विमिंग, जो कि ड्रेसेस स्विमिंग ड्रेसेस में है, यानी कि तैरने वाली ड्रेस में है, विद पोएटिस मदर इन द मिडिल, जो कि उसकी मम्मी है, पोएटिस की मम्मी वो सेंटर में खड़ी है, एंड द टू कजिन्स आर आइदर साइड होल्डिंग हर हैंड्स, और दोनों साइड उसकी कजिन्स, उसकी मम्मी की दो कजिन्स दोनों साइड खड़ी हुई है, उनके हाथ पकड़ करके, एंड वॉकिंग फिट इन सी वाटर, और समुद्र के पानी में चल रही है, यानी कि किनारे पर। द थर्ड क्वेश्चन इज दैट वर्ड हैज नॉट चेंज ओवर द ईयर। यानी कि कई सालों बाद भी एक चीज है जो चेंज नहीं होती है। डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू। इस पोयम के अंदर कौन सी बात ऐसी सजेस्ट की गई है जिससे पता चलता है कि ये कभी भी चेंज नहीं हुई? द आंसर इज दैट द सी हैज नॉट चेंज ओवर द ईयर। यानी कि समुद्र जो है वो कई सालों तक चेंज नहीं हुआ, लाखों वर्ष पुराना है, करोड़ों वर्ष पुराना है, और आज भी चलता आ रहा है, और हमेशा आने वाले समय भी रहेगा जब तक कि पृथ्वी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो समुद्र जो है वो कभी भी चेंज नहीं हुआ। इट्स वेव आर स्प्रेस शाइनिंग एंड टायर्डलेस। यानी कि इसकी जो वेव्स, यानी कि जो लहरें हैं, वो हमेशा ताजी रहती है, चमकदार रहती है और अनथकी सी रहती है। As they were year ago, चाहे कितने भी साल बीत चुके हैं। The changefulness of the sea remind us to change in human face with advancing age. Advancing age, यानी कि मॉडर्न लाइफ के अनुसार मनुष्य के चेहरे और उनके हाव भाव में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन समुद्र जो सागर है वो निरंतर टाइम ड्यूरेशन के साथ बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसमें चेंज कोई परिवर्तन नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द पोएटेस मदर लाफ एट द स्नैपशॉट। यानी कि तस्वीर लेते समय पोएटेस की मम्मी मुस्कुराती है। व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट। वो जो हंसी है, जो मुस्कुराना है, वो किस बात को डिनोट करता है? पोएटेस जो है, द आंसर इज दैट द लाफ इंडिकेट हर जॉय एट रिमेंबरिंग एन इंसिडेंट कनेक्टेड विद हर पास्ट लाइफ। यानी कि जो पोएटेस है वो याद करती है कि मम्मी के पुराना जमाना किस तरह का हुआ करता था, जब वो यंग थी तो उस समय वो किस तरह से खुशी एंजॉय करती थी। When she was quite young and free from the tension and worries of life, जब समुद्र के किनारे पर फोटो में इंडिकेट होता है, स्नैपशॉट में इंडिकेट होता है कि वो अपने सारी चिंताओं से मुक्त है उस क्षण वहां पर तस्वीर लेते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन Both fry with the labors is of loss। एक पोयम की एक लाइन है, इसका क्या मतलब है हिंदी में आपको बताना है। The sea holidays, यानी कि समुद्र किनारे पर जो छुट्टियां मनाने के लिए उसकी माँ गई हुई है। The laughter of the poet's mother, पोएटेस की मम्मी की
कि खुशी से या हंसी से ये बात प्रतीत होती है, इंसिडेंट ऑफ द पास्ट जो भूतकाल में वहां पर तस्वीर में मुस्कुरा रही है, देयर इज अ सेंस ऑफ लॉस एसोसिएट विद देम, वो अपनी बुद्धिमत्ता को खो चुकी है, यानी कि कहीं पर भी एंजॉय करते समय आदमी भूल जाता है कि वो कितना अकलमंद है। Both are amusing yet disappointing as the state of the feeling comfortable, यानी कि बहुत आरामदायक, आराम में महसूस कर रही है अपने आप को और साथ में amusing, बहुत आनंद उठा रही है उस क्षण का। Our legs in is unnatural, our force one, और एक दूसरे के साथ बड़ी उत्साह के साथ relax महसूस कर रही है। This sense of loss is quite painful to bear. यह बुद्धिमत्ता से पता चलता है कि वो बहुत शांति प्रिय, अपने जो दर्द है वो वहां पर भुला चुकी है, नष्ट कर चुकी है। तो यहाँ पर इस बोथ राय विद द लेबर्स इज ऑफ लॉस का ये मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट डज द सर्कमस्टेंस रेफर टू, इस पोएम में सर्कमस्टेंस से क्या तात्पर्य है। द आंसर इज दैट द सर्कमस्टेंस रेफर टू द डेथ ऑफ द पोएट्स मदर। इस लेसन के अंदर सर्कमस्टेंस का मतलब होता है कि पोएट्स की मम्मी की मृत्यु, यानी कि जीवन का जो चक्र है वो बर्थ से लेके डेथ पर खत्म होता है, जन्म से लेके मृत्यु पर खत्म होता है, तो यही सर्कमस्टेंस कहा गया है। इस लेसन के अन्य कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको इस टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे, उनमें से शॉर्ट आंसर का पहला क्वेश्चन, विच इंसिडेंट हैज बीन कैप्चर इन द स्नैपशॉट, यानी कि जब फोटो लेते समय तस्वीर में क्या बात कैप्चर की गई है, कौन सी घटना कैप्चर की गई है। द आंसर इज दैट द इंसिडेंट डिपिक्ट थ्री गर्ल, इस तस्वीर में एक तस्वीर ली गई है जिसमें तीन लड़कियां हैं, हैड गोन फॉर ए स्विम इन द सी, जो कि नहाने के लिए गई हुई है या स्विमिंग करने के लिए गई हुई है समुद्र के किनारे, एंड वे आर स्टैंडिंग स्टिल फॉर ए शॉर्ट टाइम स्माइलिंग एट द कैमरा, एक कोई चौथा व्यक्ति है जो कैमरे से कैप्चर कर रहा है उनकी तस्वीर और उस समय वो तीनों मुस्कुरा रही हैं। This group photo captured their joy. अब ये फोटो लेते समय वो तीनों बड़े ही आनंद और खुशी में हैं। Violent यानी कि इसका मतलब भी होता है बहुत ही आनंद खुशी, स्पिरिट आत्मीय रूप से बहुत खुश है, एंड फ्रीडम ऑफ गर्लहुड, और साथ में एक जो बचपने में जो फ्रीडम रहती है, आजादी रहती है, वो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है। Second question is that, what do you learn about the poet's mother from the photograph? इस photograph जो poem है, और photograph poem के दौरान इसमें जो photograph लिया गया है, इस lesson से poet's की mother से poet's क्या सीखती है? The answer is that, poet's mother was a big girl even at the age of 12, यानी कि उसकी मम्मी 12 साल की है, लेकिन height में बहुत ज़्यादा अच्छी खासी तगड़ी दिखाई देती है। She had a sweet face, उनका चेहरा बहुत ही मधुर है, and enjoying swimming as well as the wading in the sea water with her cousin, अपने दोनों cousins के साथ, दोनों छोटी बहनों के साथ तैरने के लिए समुद्र किनारे गई हुई, जो उसे बहुत ही खुशी दे रही है, बहुत ही आनंद का क्षण है उसके लिए। Year later she laughed at the cloth they had put on for the sea holidays, और उसे बार बार जब उसके कपड़े वो देखती है, पोएटेस जब उसकी मम्मी के कपड़े देखती है, तो अक्सर बार बार उसे याद आता है वो हॉलिडे, वो सी हॉलिडे, समुद्र की छुट्टियां। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डिड द थ्री गर्ल फेस द कैमरा, तीनों लड़कियां कैमरे को कैसे फेस करती है, कैसे सामना करती है। तो आंसर इज दैट द रिमूव हेयर फ्रॉम देयर फेस, अपने चेहरे से बालों को दूर करती है, एंड स्टूड स्माइलिंग, और बहुत ही उसी के साथ दिखाई दे रही है, इन द सेलो वाटर नियर द बीच, बीच के उथले हुए पानी पर। अब जो किनारा होता वहां पानी कम होता है, किनारे के अंदर जाते हैं तो थोड़ा पानी ज्यादा होता है, तो वहां किनारे पर हल्के से पेड़ डूबे हुए हैं, वहां पर पानी में डूबे हुए खड़ी हुई है, उसके थोड़े से पेड़ डूबे हुए खड़े हुए हैं, और बाल उनके चेहरों से थोड़े पीछे कर लिए हैं, और स्माइलिंग फेस है। बेटी एंड डोली स्टूड ऑन आइदर साइड ऑफ द पोएट्स मदर, कवित्री की जो मम्मी है, पोएटिस की जो मम्मी है वो बड़ी है, और उन दोनों की कजिन, उनकी कजिन दोनों आसपास खड़ी हुई है, होल्डिंग वन ऑफ हर हैंड, दोनों उसके हाथ पकड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू थिंक मेड द पोएटिस मदर लाफ,
आप क्या विचार करते हैं कि जो पोइटिस की मदर है वो हंस रही है किस बात पर? तो आंसर इज दैट द ड्रेस एंड बिहेवियर ऑफ हर कजिन्स बेटी एंड डॉली, यानी कि बेटी और डॉली की जो ड्रेस है वो बहुत ही अलग तरह की दिखाई दे रही है उन्हें, मेड द पोइटिस मदर लाफ, जिनके दोनों को ड्रेस को देख करके पोइटिस की माँ है वो मुस्कुरा रही है, थोड़े अजीब से कपड़े उन्होंने पहन रखे होंगे। इट इज इविडेंट दैट दे हैड पुट ऑन सम क्वाइंट ड्रेस, उनकी जो ड्रेस है वो बहुत ही क्वाइंट बहुत अलग दिखाई दे रही है, विच एम्यूज अस हर, और इसलिए पोइटिस की मम्मी उन दोनों लड़कियों को देख करके उनकी ड्रेस को देख करके हंस रही है बार बार। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द पोइटिस मदर लाफ एट हर पास्ट, यानी कि पोइटिस की मम्मी बहुत पहले जब छोटी थी उस समय बहुत मुस्कुराती थी, हाउ डज द पोइट रिएक्ट हर पास्ट, और पोइट जो है जो कवित्री है इसमें वो उस पास्ट के जमाने को महसूस करके किस तरह से रिएक्ट करती है? द आंसर इज दैट द सी हॉलीडेज वाज अ पास्ट एक्सपीरियंस फॉर द पोइटिस मदर, कवित्री इसमें बताती कि उसकी मम्मी पहले जब बचपन में थी तब किस तरह से अपनी छुट्टियों को बिताती थी, किस तरह से उनके हॉलीडे होते थे। A glimpse of the photographs perhaps revived some feelings of shared joy and she laughed. यहाँ पर इस फोटोग्राफ में ये बिल्कुल छवि दिखाई देती है इस बात की कि वो बहुत ही खुश है, बहुत ही आनंद महसूस कर रही है और सबके साथ खुशी बांट रही है। For the poet, इस कविता के अंदर जो कवित्री है, her laughter is an incident of the past. इसमें जो खुशी और हंसी का जिक्र किया गया है वो पास्ट का है, भूतकाल का है, क्योंकि पोइटेस अभी यहाँ पर दुखी इस बात से क्योंकि उसकी माँ जो है वो उसको छोड़कर के चली गई है, मर चुकी है, तो यहाँ पर वो पुरानी चीजों को याद करके मुस्कुरा रही है, हंस रही है। फॉर द पोइटेस हर लाफ्टर इज एन इंसिडेंट ऑफ द पास्ट, क्योंकि इसमें पुरानी भूतकाल की बातें बताई गई है। इट इज एम्यूजिंग इज आयरोनिक मैनर, इसमें बड़ी आनंद और मस्ती के साथ बताया गया है इसमें मैनर, द सेंस ऑफ द लॉस ओवरकम्स द प्लेजर, और यहाँ पर खुशी का ठिकाना नहीं है उसकी मम्मी का और उसके दोनों कजिन्स का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, डज द पोइटिस से नथिंग अबाउट हर मदर्स डेथ, कि मम्मी के बारे में ज्यादा जानकारी वो आपको नहीं दे पाती या मम्मी की गहराइयों के बारे में ज्यादा पोइटिस इसमें बात नहीं करती है? द आंसर इज दैट द पोइटिस हैज नो वर्ड टू एक्सप्रेस हर रिएक्शन टू दिस सोलेम एंड पेनफुल इंसिडेंट, इसमें पोइटिस जो है वो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करती है अपने दुख के बारे में और अपनी मम्मी से बिछड़ने के बारे में। डेथ साइलेंस एवरीवन, क्योंकि वो जानती है कि हर एक व्यक्ति बहुत साइलेंस बहुत चुपचाप रूप से मरता है। द एक्सटेंसिव क्वाइटनेस, ये सर्वव्यापक घटना है मृत्यु, एंड प्रिवेलिंग ग्लूम्स साइलेंस हर, और सभी को पता है कि ये परंपरा है, जिसको आना है उसे जाना है, जिसका जन्म हुआ उसे मरना है। इस लेसन में एक ही लॉन्ग आंसर है। द क्वेश्चन इज दैट What impression do you form of the poetess and the poetess mother? इस लेसन के अंदर कौन कौन से ऐसे इम्प्रेशन बताए गए हैं, कुछ ऐसे तथ्य बताए गए हैं जो पोइटिस और पोइटिस के मदर के बारे में बताया गया है? After reading the poem, a photograph, पूरी पोयम ए फोटोग्राफ को पढ़ने के बाद आपको कौन कौन से इम्प्रेशन पता चलते हैं पोइटिस और पोइटिस की मम्मी के बारे में, ये आपको बताना है। The answer is that the poem present the poet as a sensitive person. जो पोयम है वो पोइट की कवि जो कवित्री है उसके लिए बहुत सेंसिटिव है, बहुत गंभीर घटना है। हु इज क्वाइट अफेक्शनेट टुवर्ड हर मदर एंड इज डीपली अटैच्ड टू हर, क्योंकि वो अपनी मम्मी से बहुत ही डीपली गहराई से जुड़ी हुई थी और बहुत आकर्षित थी अपनी मम्मी के प्रति। सी लव्स हर स्वीट फेस, वो उनके खूबसूरत चेहरे और अच्छे मधुर चेहरे पर बहुत आकर्षित थी। And noted the change in it as she advantages in age. और इसमें इस बात का भी जिक्र करती है कि जब उसकी मम्मी बहुत जवान थी तो किस तरह से एडवांटेज लेती थी अपने उस जवानी के क्षण का, अपने बचपने के उस क्षण का। आगे बताया गया है, she remember all the incident connected with her life, including her laughter on looking at the photographs. फोटोग्राफ को देखने के बाद ये पता चलता है कि वो अपने जीवन को कनेक्ट करती है अपने मम्मी से कि उसकी मम्मी कितनी खुश हुआ करती थी तो मैं भी कितनी खुश हो सकती हूँ इस बचपने में। समरी में आपको पूरा लेसन पता चलेगा, इसलिए समरी का वीडियो जरूर देखें। आगे देखिएगा, सी फाइंड्स इट हार्ड टू बियर हर डेथ,
यहाँ पर ये भी बताया गया है कि एक किसी की मृत्यु बड़े दुखद घटना होती है जीवन में। द पेंस ऑफ सेपरेशन स्टन हार्ट स्पीचलेसनेस। दूसरा ये बताया गया है कि जीवन में जो कष्ट होते हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देते हैं और वो कहना आसान बात नहीं होती है। आगे बताया गया है द पोइटस मदर अपीयर एज ए फिजिकली वेल फॉर्म पर्सन विद स्वीट फेस एंड ब्यूटीफुल स्माइल। फोटो को देखने के बाद ही पता चलता है कि उसकी मम्मी बहुत खुश हुआ करती थी जब वो बचपन में थी और उसका चेहरा बहुत ही रोमांचक था जो पोइटस को बहुत पसंद आता है और फिजिकली भी फिट थी यानी कि अपनी उम्र से ज्यादा उम्र की लगती थी। सी हैज ए फ्रेंडली टेम्परामेंट एंड फ्री मिक्सिंग नेचर। बहुत ही फ्रेंडली स्वभाव की बहुत दोस्ताना व्यवहार की थी और साथ में हमें मिक्सिंग नेचर हर किसी के साथ आसानी से घुल मिलना ये उनके आदत में शामिल था। पोइटिस की मदर के व्यवहार में शामिल था। सी हैज ग्रेट अफेक्शनेट क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा आकर्षित थी अपनी मम्मी के प्रति। आर हर टू गर्ल कजिन एंड गोस विद देम फॉर ए सी हॉलीडेज क्योंकि इसमें जिक्र किया गया है हॉलीडेज का छुट्टियों का जो समुद्र किनारे मनाई गई तो उनकी कजिन और उसकी मम्मी के बारे में ये जानकारी बताई जाती है कि वो तीनों किस तरह से कनेक्ट रहती थी यानी मम्मी का व्यवहार उन दोनों लड़कियों के प्रति कितना अच्छा था। आगे दे पुट ऑन क्वाइन ड्रेसेस उन्होंने जो ड्रेस पहन रखी है स्विमिंग की वो भी बड़ी अद्भुत लग रही है। सी पोइटे सी पॉजेस विद देम स्माइलिंगली फॉर ए स्नैप मुस्कुरा करके हर पोज दे रही है हर फोटो में मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही है। हर लाफ्टर ऑन सीइंग द ड्रेसेस इन द स्नैप शो हर फाइन टेम्परामेंट एंड गुड ह्यूमर। दोनों लड़कियों की ड्रेस देख करके उसकी मम्मी बार बार हंस रही है और यही तस्वीर में लिया गया है और इस बात से पता चलता है कि उसकी मम्मी बहुत ही गुड ह्यूमर यानी कि बहुत व्यंग्यात्मक शैली की दिखाई देने वाली महिला थी। तो इस लेसन को आपने बहुत अच्छे समझा आपके दोस्तों को आप जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।